हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंचे हैं। आज दूसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होना है। कोविड 19 का वैक्सीनेशन आज दूसरे चरण का गुरुग्राम में शुरू होना है। 1,00,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को यहां पर, हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दिया जाना है। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों और नगर निगम के कर्मचारियों को भी कोविड 19 का वैक्सीन दिया जाएगा। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कोविड 19 का वैक्सीन दूसरे चरण के इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में दिया जाना है। और इसी कार्यक्रम को लेकर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज यहां पहुंच चुके हैं और दूसरे चरण का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है कोविड 19 को लेकर, वो आज शुरू होना है और 1,00,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये कोविड 19 का वैक्सीन दिया जाना है। देखिए महेश, बिल्कुल दूसरे चरण के वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस दौरान गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां पर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव और गुरुग्राम डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग ने कोविशील्ड वैक्सीन यहां पर लगवाई है और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज उस समय मौजूद थे जब पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कोविशील्ड वैक्सीन लगवा रहे थे। इस दौरान अनिल विज ने कहा है कि दूसरे चरण में 1,00,000 फ्रंटलाइन जो वर्करों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पुलिसकर्मी रहेंगे और नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी रहेंगे और साथ में जो राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन दी गई थी और अनिल विज ने कहा है कि 65% कर्मचारियों को, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इस दौरान साफ तौर से अनिल विज ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और हमें इस बात का गर्व है कि इस महामारी के समय में हमें दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ा है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ही यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण किया है। तो साफ तौर से ये कहते हुए भी नजर आया। और इस दौरान किसान आंदोलन पर भी अनिल विज ने कहा है कि जो 6 फरवरी का चक्का जाम किसानों ने, नेताओं ने कहा है, उसको स्थगित कर देना चाहिए। ये गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है क्योंकि ये किसान मंच न होकर अब एक राजनीतिक पार्टियों का मंच बन गया है और सभी राजनीतिक पार्टियां अब रोटियां सेक रही हैं, इसीलिए इस 6 फरवरी को चक्का जाम को जो है किसान नेताओं को स्थगित करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टियां जो है इस पूरे मामले को हल नहीं होने देना चाहती हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हर वो कदम उठा रही हैं इस समय कि जिससे झगड़ा जो है बना रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, कोई भी बड़ी समस्याएं लगा लीजिए चाहे वो अंतरराष्ट्रीय लेवल की हो, उसका भी बातचीत से हल हो सकता है, समाधान हो सकता है, इसलिए बातचीत से हमारी सरकार जो है हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बातचीत के तमाम रास्ते खुले हैं, बातचीत के लिए किसान नेताओं को आगे आना चाहिए, धरना प्रदर्शन बंद करना चाहिए, और क्योंकि धरना देना प्रदर्शन करना प्रजातंत्र में अधिकार तो सबको है, लेकिन इससे जो अन्य लोग हैं उनको भी काफी दुख और तकलीफ हो रही है, इसलिए किसानों को इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि दूसरों के अधिकार का हनन न हो, आम जनता को कोई दुख और तकलीफ न हो, इसलिए 6 फरवरी को जो चक्का जाम करने का ऐलान किसान नेताओं ने किया है उसे स्थगित कर देना चाहिए। जी चलिए गुलशन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।